तिरंगा शान से आज लहरा रहा है। अपने वीरों पे है नाज मुझको, गर्व से सबको बतला रहा है। ऐ शहीदों तुम्हारा तिरंगा शान से आज लहरा रहा है। ऐ शहीदों तुम्हारा तिरंगा शान से आज लहरा रहा है। लड़ते रहे जंग वीरों की तरह, लड़ते रहे जंग वीरों की तरह। जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक वो डटे रहे, तभी तो देश आजाद हुआ। नागरिक जब वो भारतीय जिम्मेदारी नागरिक बन जाए तो वो देश के प्रति क्या कर सकता है, ये इसका जीवंत उदाहरण है। 9 अप्रैल 2019 को डीआईजी श्री सानंद कमल सीआरपीएफ की, उन्होंने मुझे वैलेंस डे के दिन फ्लैग ऑफ किया और ये मेरी यात्रा एक साल की थी। 9 अप्रैल 2020 को रन ऑफ कच्छ में जो मैं यात्रा ख़त्म करने वाला था, 14 फरवरी 2020 को मैंने 40 पुलवामा के जो शहीद हैं उनके आंगन की मिट्टी और जहाँ पे उनका अंतर संस्कार हुआ वहाँ की मिट्टी मैंने एसडीजी श्री जुल्फिकार सर को मैंने पुलवामा में दी और मैं अकेला एक भारतीय वहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट था पुलवामा में, जिस मिट्टी से वहाँ पे स्मारक बना है। मुझे यह था कि ये पुलवामा के शहीद अगर मेरे परिवार होते, अगर ये मेरे भाई पिताजी दोस्त अगर होता तो मैं देश के प्रति क्या करता। तो ये निस्वार्थ भाव में मुझे लगा कि 28 राज्यों और 9 संघ राज्य क्षेत्र के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री और इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी शहीदों से मैं मिल सकता हूँ, एक साल मैं उनसे शहादत की मिट्टी लूँगा और एक भारत का पहला ऐतिहासिक नक्शा बनाया जाएगा शहीद स्मारक में जम्मू कश्मीर में। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यह नया भारत है, बोलना बहुत हो गया, करना ज़रूरी है। जो हमारे जो देश के जो रक्षक है जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, हम उनके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? 15 अगस्त 26 जनवरी कारगिल दिवस, ये 3-4 दिनों में हम बस उनकी याद करते हैं, लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि उनका जो सम्मान है वो रोज़ होना चाहिए। और जो हमारी भारत की जो ज़्यादा यंग जनरेशन है वो ज़्यादा करके फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप पे रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेज, तो मुझे ये जज्बा था कि मैं हर एक शहीद के परिवार के पास जाऊँगा और एक सल्यूट करूँगा, नमन करूँगा। ये सच्ची देशभक्ति होती है। तो मुझे ये लगता है कि नए पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ कि हमसे ही देश बनता है और मज़हब ने सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम। अब तक मैं 75,000 किलोमीटर चल के आज बीकानेर के इस पवित्र धरती पे आया हूँ और यहाँ पर इस मेमोरियल से एक सल्यूट करके, जो बीकानेर की एक बड़ी सी एक हिस्ट्री है हमारे शहादत के प्रति, एक